डॉक्टर के डी आईज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने अपनी 18 मांगों को लेकर विद्युत बोर्ड को 27 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 27 दिन में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो भविष्य में तकनीकी कर्मचारी संघ बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। शिमला में हुई राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के महामंत्री ने नेकराम ठाकुर ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से तकनीकी कर्मचारी 18 मुख्य बिंदुओं को लेकर विद्युत बोर्ड से चर्चा कर रहा है, लेकिन बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 अप्रैल को राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, और फिर भी अगर विद्युत बोर्ड नहीं माना तो कर्मचारियों ने बैठक में क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। कि आज ही हमने विद्युत बोर्ड प्रबंधन को एक 27 दिन का नोटिस दिया है। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हम 3 बार विद्युत बोर्ड प्रबंधन वर्ग से वार्ताएं कर चुके हैं। उनमें 18 बिंदु ऐसे हैं जिनमें एक सहमति की तरफ बिजली बोर्ड और हम बढ़ रहे हैं, मगर विद्युत बोर्ड से उन मांगों को आज तक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उस दृष्टि से हमने एक 27 दिन का नोटिस बिजली बोर्ड प्रबंधन को दिया है और 3 अप्रैल 2021 को हमने विद्युत बोर्ड के प्रांगण में एक विशाल धरने का आयोजन भी किया है, अगर उन मांगों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो। उसके बाद भी अगर बिजली बोर्ड अपने अड़ियल रवैये पर अडिग रहता है तो हम क्रमिक भूख हड़ताल में भी बैठने से गुरेज नहीं करेंगे। उसके बारे में हम विद्युत बोर्ड को अवगत करा दिया है। मुख्य मांगे उसमें ग्रेड पे से संबंधित इलेक्ट्रिशियन फिटर और हेल्पर सबस्टेशन की जो ग्रेड पे है पंजाब से उसमें भिन्नता है, उस बारे में 3 बार वार्ताओं में बोर्ड ने माना है मगर अभी तक उनके आदेश नहीं की है। और दूसरा विषय हमारा जो जूनियर टीममेट का था, उसमें हमारे जो 8वें अधिवेशन में प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने घोषणा की थी कि इनका जो पदोन्नति का समय अवधि है 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दी जाएगी, उसकी भी आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और एक सर्विस कमेटी बिजली बोर्ड में स्थापित की है जिसकी पिछले 1.5 वर्षों से कोई बैठक बिजली बोर्ड प्रबंधन नहीं करवा पाया है, असफल रहा है। उस सर्विस कमेटी में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों से संबंधित बहुत से मसले जो है निराकरण के लिए जाते हैं, तो उसमें बिजली बोर्ड प्रबंधन असफल रहा है। मेरा आरोप बिजली बोर्ड प्रबंधन पर यह भी है कि वह जानबूझकर किन्हीं कारणों से किन्हीं दूसरे तत्वों के प्रभाव में आकर उस कमेटी की जो बैठक नहीं करवाई जा रही है, इस कारण जो है विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की समस्या जो लंबित चल रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।